नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत कुमार शुक्ला एडवोकेट। साथियों, आज के वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट के बारे में, जो आईपीसी की धारा 498A के बारे में है। आईपीसी की जो धारा है 498A के तहत घरेलू हिंसा के जो मामलों में समझौता होने के बाद भी पक्षकारों को मुकदमा आगे बढ़ाने के लिए मजबूर करना खतरनाक। बॉम्बे हाईकोर्ट ने कहा कि जब एक पति पत्नी खुशी से रहना चाहते हैं तो उन्हें मुकदमा कायम रखने के लिए मजबूर करना भी हानिकारक होगा। कोर्ट ने उक्त टिप्पणियों के साथ पार्टियों के बीच समझौता होने पर घरेलू हिंसा के मामलों को रद्द करने के महत्व को रेखांकित किया। कोर्ट ने क्या कहा, आइए वो जानते। न्याय का लक्ष्य समाज की इकाई यानी परिवार की एकजुटता को बढ़ावा देना और मजबूत करना है। पार्टियों को किसी मुद्दे पर मुकदमा कायम रखने के लिए मजबूर करना समाज के लिए खतरनाक होगा, खासकर जब पार्टियों ने आपस में एक समझौता किया हो और वे सुखी जीवन जीना चाहते हैं। पीठ ने कहा कि सौहार्द पूर्व समझौता के बावजूद विवादों को खारिज करने से इनकार करना उस समाज के लिए अहितकारी होगा जिसमें संरक्षण के लिए अदालतें बनाई गई है। कोर्ट ने कहा, इसमें कोई संदेह नहीं है कि वैवाहिक अपराध हमारे समाज पर एक कलंक है और विधायिका ने अपने विवेक से इस प्रकार के वैवाहिक विवादों को खतरे में दृढ़ विश्वास के साथ रोकना उचित समझा, लेकिन मतलब ये नहीं है कि न्याय का लक्ष्य जो सभी कानूनों पर सर्वोपरि है और जिनके लिए अदालतें बनाई गई हैं उन्हें तकनीकी वेदी पर बलिदान किया जाए। यह कहते हुए पीठ ने सीआरपीसी की धारा 482 के तहत पत्नी द्वारा अपने पति और उसके परिवार के सदस्यों के खिलाफ दायर एक आपराधिक आवेदन पर पत्नी द्वारा घरेलू हिंसा और 498A के मामले को खारिज कर दिया। उल्लेखनीय है कि एक रिपोर्ट में बताया गया कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एक समन्वय पीठ ने यूनियन ऑफ इंडिया से कहा कि वह आईपीसी की धारा 498 का एक कंपाउंडेबल अपराध बनाने के महाराष्ट्र सरकार में एक विधेयक को भी अनुमति देने पर भी विचार करे। कंपाउंडेबल अपराध वे हैं जिन्हें स्थानीय अदालत की अनुमति से सुलझाया जा सकता है, और जबकि नॉन कंपाउंडेबल अपराध वे हैं जिनका निपटारा नहीं किया जा सकता और इसके लिए हाईकोर्ट ने की सहमति आवश्यकता होगी। इस मामले में पति और उसके माता पिता पर एक नादेड़ में स्थित वजीराबाद जो कि पुलिस ने 2020 में भारतीय दंड संहिता की जो धारा है 498A, 323, 504 के तहत मामला दर्ज किया था और वर्तमान जो FIR है वो पति द्वारा जो थी गई थी। वैवाहिक अधिकारों की बहाली के आवेदन दायर किए जाने के तुरंत बाद दायर हुई थी। इस जोड़े की जो शादी हुई वो 2017 में हुई थी, उन्हें एक बेटा भी था। उनकी तरफ से जो वकील ने प्रस्तुत किया कि पक्ष आपस में समझौता कर चुके हैं और मामले की औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए उन्हें अदालत में घसीटने का कोई मतलब नहीं है, जब वे आगे बढ़ना चाहते हैं, एक खुशहाल जीवन जीना चाहते हैं। खंडपीठ ने वकीलों की दलीलों को सहमति जताई और उसके आधार पर कार्यवाही को रद्द कर दिया। जो ये केस का टाइटल है वो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसको मैं दे दूंगा, आप जाके उस जजमेंट को पढ़ सकते हैं। तो आशा करते हैं ये वीडियो आपको समझ में आया होगा। अगर आपके मन में कोई भी क्वेरी हो तो दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिएगा या हमसे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे भी हमसे संपर्क कर सकते हैं। तब तक के लिए मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।